2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जब विशेष सत्र का ऐलान किया तो विपक्षियों में हड़कंप मच गया। आखिर मोदी सरकार इस बार क्या कुछ नया लाने वाली है? कई तरह के अटकलें लगाए गए। जब अटकलों से पर्दा हटा तो पता चलता है महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार संसद में पेश करने वाली है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। मैं दिव्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात करेंगे आखिर क्या है इस नए बिल में। तो यह बिल कोई नया नहीं है, 3 दशक से यह बिल इंतजार कर रहा है लोकसभा में पास होने के लिए। जी हाँ, 2010 में यह बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। आखिर अब यह बिल क्यों नहीं पास हो पाया लोकसभा से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बिल में आखिर क्या है? तो इस बिल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में और विधानसभा में। अभी देखा जाए तो लोकसभा में महिलाओं के भागी सिर्फ 15% है और राज्यसभा में 10% है। इसी को बढ़ा के 33% कर दिया जाएगा। अब एक मजेदार वाली बात बताऊं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों जो कि एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, दोनों इस बिल के सपोर्ट में हैं। लेकिन फिर भी इस बिल को 27 सालों का इंतजार करना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दलों का मानना है कि इस बिल में जो भी आरक्षण दिया जा रहा है उसके अंदर एक सब आरक्षण हो, यानी कि SC ST एंग्लो इंडियन इन लोगों को अलग पिछड़े वर्ग होने का भी आरक्षण मिले, जिस कारण से इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विरोध का सामना करना पड़ा है। यह बिल 2010 में राज्यसभा से पास हो चुकी है और 2010 से लेकर अभी तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो यह बिल को अभी भी लोकसभा में उसी तरह से पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो उम्मीद है इस बार इस बिल को पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पिछले साल के सरकार के बताए हुए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का भागीदारी सिर्फ 15% है, यानी कि 78/543 में। हमारे लोकसभा में 543 का कुल सीट है जिसमें कि 78 सिर्फ महिला सांसदों के हाथ में है। और वहीं बात रहे तो राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी महिलाओं का सिर्फ 14% ही भागीदारी है। महिलाओं का राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही इस बिल को लाया जा रहा है। वर्ल्ड में जेंडर गैप के मामले में भारत काफी ही निचले स्तर पर है, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी भारत से आगे है। इसलिए महिला आरक्षण बिल को लाना एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं का राजनीति में भागीदारी जेंडर गैप को कम करने में काफी मदद करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।